ओम शांति। 13 जनवरी। अव्यक्त बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी और सहज योगी बच्चों को देख रहे हैं। देखिए, हम सोचें बाबा की दृष्टि कितनी सुंदर, कैसी बेहद की। भोलानाथ भी है, देख रहा है तुम मेरे सभी बच्चे योगी बच्चे हो, सहज योगी हो। सबको योगी रूप में देखते हैं बाबा, क्योंकि सभी बाबा को याद करते हैं, सभी उसे मेरा कहते हैं। तो बाबा ने कहा, जहाँ संबंध है वहाँ योग सहज हो जाता है, और हम सब ने उससे संबंध जोड़ लिया है, प्यार। हम सब बाबा को बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भागे भागे बाबा के पास चले आए, तभी तो उसकी मुरली सुनते हैं प्यार में, तभी तो सब कुछ कुर्बान करते हैं, और इस प्यार में ही हम कुछ बन जाते हैं। क्योंकि जो वो हमें कहता है, हम सोचते हैं ये हमारा परम कर्तव्य है, यही प्यार है कि हम उसको फॉलो करें। तो बाबा कह रहे, देखो तुम सबको तो परमात्म प्यार मिला है, प्यार की तो बड़ी महिमा है। एक अनजान बच्चा भी प्यार चाहता है, प्यार की पालना से उसका विकास हो जाता है। अगर उसे कोई प्यार ना करे तो देखो मनुष्य का जीवन कैसा हो जाएगा। फिर वो छोटे बच्चे जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, या जिन्होंने घर में बचपन से लड़ाई झगड़े देखे हैं, उनके जीवन का रंग रूप अलग होता है। बाबा कह रहे हैं, सोचो किसने तुम्हें अपना बनाया, किसने तुम्हें प्यार दिया, और किसकी पालना में तुम पल रहे हो। आज ये तीनों बातें हम याद रखेंगे। किसने हमें प्यार दिया, किसने हमें अपना बनाया, किसकी पालना में हम पल रहे हैं। तो इस प्रभु प्रेम में हम मगन होते रहेंगे, लवलीन होते रहेंगे, और इससे विघ्न भी नष्ट हो जाएंगे और माया भी दूर चली जाएगी। तो बहुत अच्छी बात। दूसरी, हम सभी इस पे गहराई से विचार करें। हम बाबा के बने, हमने उसको मेरा कहा, तो हम उसके अधिकारी बन गए। अपने अधिकारों को रियलाइज करें। उसकी शक्तियों पर भी हमारा अधिकार है, तो स्वयं उस पर भी हमारा अधिकार है। उसके सब खजाने हमारे ही हैं, हम इस पर ध्यान दें। सब कुछ मेरा, वो सदा मेरे साथ रहता है, ये सहज योग हो जाएगा। इससे उसकी बहुत बहुत बड़ी और हमेशा मदद मिलती रहेगी। हम अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी होता है। अनुभव व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता। अनुभवी जब ज्ञान दूसरों को देता है तो उसकी वाणी में बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। टीचर बहनों से मिल रहे हैं, और ये बात हम सबके लिए भी है कि हमारी सेवाओं की सफलता का आधार निमित्त भाव और निर्माण चित्त होना ही है। संसार में भी संपूर्ण रूप से सफलता का आधार ये दो ही है। तो बाबा उन्हें भी कह रहे हैं, सोचो किसने तुम्हें निमित्त बनाया, अपना साथी बनाया, स्थान भी दिया, स्थिति भी बना दी, और तुम्हें बहुत बड़ा कार्य भी दे दिया। इसकी प्राइज भी बहुत बड़ी मिलती है। कुमारों को याद दिला रहे हैं बाबा, तुम सब निर्बंधन हो, कितने बंधनों से मुक्त हो गए। परंतु एक विशेष बात कह रहे हैं, कई कुमार सोचते हैं काम धंधा छोड़कर बाबा की सेवाओं में लग जाए। तो बाबा कह रहे हैं, ये काम धंधा तुम्हारी नौकरी बिजनेस, ये लोगों के संपर्क में आने का तरीका है। तो तुम्हारी जो नौकरी धंधा बिजनेस है, ये तुम्हारे लिए बंधन नहीं बनेंगे, तुम्हें खुशी प्रदान करेंगे जब तुम इस तरह लगातार सेवाओं के फील्ड में बिजी रहेंगे। हम सभी को पुरुषार्थ करते करते अपनी स्थिति को बंधन मुक्त बनाना है। इसको ही कर्मातीत विदेही स्थिति कहा जाता है। हम कर्मों में रहें और न्यारे हो जाएं। एक बहुत सहज सी बात जीवन में याद रखेंगे, मैंने किया ये संकल्प चले और कर्म जो है बंधन बन गया। अगर हम कर्मों को डिवाइन करना चाहते हैं, हम अपने कर्मों को पुण्य कर्म बनाना चाहते हैं,
कर्म हमें कर्म बंधन से मुक्त कर दें, ऐसा हम चाहते हैं। तो मैंने नहीं किया, बाबा ने कराया, वो करण करावन हार है, सुख संत फीलिंग भी समाप्त हो जाए। चाहे बीमारी हो वो बंधन न डाले, हम उससे पार होते चले खुशी खुशी कर्म योगी बनकर। चाहे हमारे संगठन है, हमारे परिवार हैं, हमारी सेवाएं हैं, वो भी हमारे लिए बंधन न बने। बाबा हमेशा सिखाते रहे, सेवाएं यदि तुम्हारी स्थिति को बिगाड़ती हैं तो वो सेवाएं बंधन है, पुण्य का खाता जमा नहीं होगा। मुख्य बात जिस पर हम आज ध्यान देंगे, कोई भी परिस्थिति, जीवन में आने वाली समस्याएं बाधाएं हमारी स्थिति को हलचल में न लाएं, नहीं तो ये सब बंधन बन गए। हम पावरफुल बनकर स्व स्थिति में स्थित होकर सभी परिस्थितियों को पार करते चलें तो परिस्थितियां हमें शक्ति देकर जाएंगी, हमारे लिए वरदानी बन जाएंगी, हमें नए अनुभव प्राप्त होने लगेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। ये याद रहते ही उसकी शक्तियां हमें प्राप्त होने लगेंगी और हम इन परिस्थितियों को हंसते हंसते पार कर लेंगे। तो हमें कर्मातीत अवस्था की ओर चलना ही है इस जीवन में रहते, चाहे आप नए हैं चाहे पुराने। इच्छाओं का त्याग करते चलें, मान सम्मान की इच्छा का त्याग करते चलें, जो छोटी क्षणिक सुख देने वाली इच्छाएं हैं उनका त्याग करते चलें, तो ये विदेही स्थिति बनती जाएगी, हम योगयुक्त होते जाएंगे। और बाबा याद दिला रहे हैं, अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति के द्वारा पवित्रता को मजबूत करो। हमारी अनादि स्थिति परमधाम में आत्मा, अपने स्वरूप को परमधाम में देखा करें। मैं बहुत पवित्र, बाबा के बहुत समीप, मुझसे निकलने वाली लाइट माइट यानी वहां ओरा, इसको शास्त्रों में कारण शरीर कहते हैं, यानी आत्मा से भी चारों ओर एक प्रभा मंडल बन जाता है। उसके जो वाइब्रेशंस फैलते हैं, किरणें फैलती हैं, तो अपने को देखें मैं बहुत शक्तिशाली प्रभा मंडल के बीच में हूँ, परम पवित्र, संपूर्ण पवित्र। और आदिकाल मेरा वो भी संपूर्ण पवित्र है, देव स्वरूप। अपने दोनों स्वरूपों को बार बार सामने लाएंगे तो हमारी पवित्रता बहुत ही अच्छी होती जाएगी। तो हमें ये सब अभ्यास करते हुए एक अलौकिक स्थिति के अनुभव में रहना है। ये सब जीवन में आ जाएगा। व्यक्त में हम रहते हैं यानी संसार में रहते हैं, कार्य भी व्यक्त है, बोलचाल भी व्यक्त है, लेकिन अगर हम ऐसे अभ्यास करेंगे तो हम अव्यक्त रहेंगे, अर्थात व्यक्त के इफेक्ट से परे रहेंगे, और तब हमारी सेवाएं ज्यादा सफल होंगी, विश्व कल्याण का कार्य भी तीव्र गति से संपन्न होने लगेगा। तो आज हम वो तीन बातें याद करेंगे, किसने हमें अपना बनाया है, कौन हमें प्यार कर रहा है, किसकी पालना में हम पल रहे हैं, और अभ्यास करेंगे बाप दादा का आह्वान करके कि उनका प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर है। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।